तो हमने जॉब रिजाइन दे दिया आगे पढ़ने के लिए पटना। फिर हमने पटना जब आया तो ये सोच के आया था कि हमें यहाँ कुछ करके ही जाना है और 1 साल में ही करना है जो करना है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत थी, पैसे सारे खत्म हो चुके थे, कुछ था नहीं। तो हमने पटना आया और सारे सोशल मीडिया से दूर होके मोबाइल बंद करके हमने 6 महीना पढ़ा। 6 महीना पढ़ा तो जो पढ़ाई एक्चुअल पढ़ाई होती है वो हमने पढ़ा, और बहुत कुछ गेन किया हमने उस 6 महीनों में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। दोस्तों, आज आपको पढ़ाई से हटके थोड़ा सा एक अलग सी वीडियो देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाना चाहेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनती हैं, लगनशील हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, ईमानदार हैं, राइट। इनका नाम है दीपक पंडित, बिहार से हैं, जो अपनी जर्नी के बारे में अभी आपको बताएंगे। तो अब हम इनसे ही खुद की इनकी ही जुबानी सुनते हैं कि आखिर इनका स्ट्रगल क्या था। इनके स्ट्रगल को जैसे ही हमने सुना, हमें लगा कि एक हमको वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों तक इनके स्ट्रगल की कहानी को ले आना चाहिए। तो दीपक, नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पंडित बिहार से। मैं अभी पोस्टेड हूँ कानपुर में एज ए LP। तो मैं शुरुआत करता हूँ अपना जर्नी, कैसे हमने क्या क्या मेरे क्वालिफिकेशन थे, कैसे हम पढ़ाई किए, यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। हमने 10th किया बिहार से ही, प्लस टू भी किया बिहार से ही। प्लस टू के बाद वो होता है एक चेंजिंग पॉइंट, किधर मूव करना है, ठीक। तो हमने BTech का रास्ता चुना क्योंकि हमारे माँ की इच्छा थी कि गवर्नमेंट में हो और BTech हो, मतलब सरकारी इंजीनियर का उनको इच्छा थी कि सरकारी इंजीनियर बने उनके जैसे। और हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उतना तो फाइनेंस था नहीं BTech के लिए। इच्छा थी लेकिन पैसे नहीं थे क्योंकि IIT निकल नहीं पाया था। तो और हम टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते थे कि 1 साल 2 साल और फिर मेहनत करके फिर से करें, क्योंकि उस पैसे भी लगते हैं कोचिंग करने में भी। तो फिर हमने लोन लोन सेशन करवाया और लोन लेके हमने BTech में एडमिशन लिया, पढ़ाई किया अच्छे से, BTech क्वालिफाई किया। एज ए एवरेज स्टूडेंट थे हम, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना ही ज़्यादा डाउन, ठीक ठाक। तो BTech किया, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए बैठा मैं तो साउथ की कंपनी मिल रही थी, लेकिन साउथ में इच्छा नहीं थी, नॉर्थ में आना चाह रहे थे। तो नॉर्थ साइड में कंपनी भी ज्वाइन किए थे, सैलरी बहुत कम थी उस टाइम पे, सैलरी बहुत कम थी और बहुत भीड़ भाड़ था, काफी स्ट्रगल किए। इंटरव्यू के लिए जाते थे तो लंबे लंबी 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 कतारें लगी रहती थी, देख के खराब सा लगता था कि एक दो वैकेंसी है और उसके लिए 100 से लेके 150 तक बच्चे सब धूप में खड़े हैं, हमारे जैसे ही धूप में खड़े हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया नहीं, और हमारे जो इनकम का सोर्स था, पापा हमारे काफी एजेड हैं तो उनका भी वो इन सोर्स भी खत्म होने वाला था, जो सो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, इतना से तो ये छोटे मोटे अमाउंट से सैलरी से हो नहीं पाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमने रास्ता चुना कि चलो गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए। तो हमने गवर्नमेंट का रास्ता चुना, गवर्नमेंट में किस सेक्टर पे, तो हमने अपने अनुसार डिसाइड किया। सिलेबस देखा कौन सा सिलेबस हमारे अकॉर्डिंग है, क्योंकि हम टेक्निकल हैं तो नॉन टेक वीक तो रहेगा ही। तो हमने रेलवे का सिलेबस देखा, देखा हमने उसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, तो हमें लगा ये तो हमारे हमारे लायक ही है। तो घर से उम्मीदी भी थी, पैसे खत्म हो गए थे तो फिर अब 1 साल के लिए कहाँ से फिर आए। हमने बात किया घर कि हमें 1 साल और पढ़ना है, तो उन्होंने बोला ठीक है किसी तरह तो हो ही जाएगा, चाहे जैसे जितना किए हैं 4 साल, 1 साल और सही। लोन भी चल रहा था हमारा तो प्रेशर तो था ही, कैसे होगा क्या होगा, रिस्क था जॉब छोड़ के फिर से गवर्नमेंट में आना। बहुत लोगों ने बोला कि जॉब लगी है प्राइवेट में तो फिर वहीं पे रहो मत, गवर्नमेंट में काफी रिस्क है, 0.1 0.2 मार्क्स से भी छूट जाते हैं, नहीं हो पाया तो फिर तुम ना उधर के रहोगे ना इधर के, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बेकार हो जाएगा, काफी रिस्क है इधर आओगे तो मत आओ, प्राइवेट जॉब ही करो। लेकिन हमारी इच्छा थी, हमारी माँ की इच्छा थी कि सरकारी नौकरी हो, तो हमने जॉब रिजाइन दे दिया आगे पढ़ने के लिए पटना। फिर हमने पटना जब आया तो ये सोच के आया था कि हमें यहाँ कुछ करके ही जाना है
और 1 साल में ही करना है जो करना है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत थी, पैसे सारे खत्म हो चुके थे, कुछ था नहीं। तो हमने पटना आया और सारे सोशल मीडिया से दूर होके मोबाइल बंद करके हमने 6 महीना पढ़ा। 6 महीना पढ़ा तो जो पढ़ाई एक्चुअल पढ़ाई होती है वो हमने पढ़ा, और बहुत कुछ गेन किया हमने उस 6 महीनों में। नॉनटेक हमारा वीक था, वो स्ट्रांग हो गया। बाकी साइंस तो पहले से बेसिक था ही, मैथ रीजनिंग पहले से ही था, नॉनटेक बस करना था थोड़ा, और जनरल अवेयरनेस तो वो हमने कमांड कर लिया। और फिर एग्जाम हुआ इसका पीटी, वो क्वालिफाई हो गया। पीटी तो बहुत इजी से हुआ, बहुत बच्चे उसमें क्वालिफाई किए, वो टफ था नहीं। और उसके बाद मेंस की बात आई, मेंस में दो दो पोर्शन थे, पार्ट ए पार्ट बी। तो वो पार्ट बी जो था बस क्वालिफाइंग मार्क्स का था, क्वालिफाई करना था। पार्ट ए में स्कोरिंग था, उस पे मेरिट बनते। तो पार्ट ए में मैथ्स था, रीजनिंग, साइंस, ये सारे थे। प्री निकलने के बाद मेंस का एग्जाम दिया, मेंस में क्वालिफाई हुआ। उसके बाद बचा एक थर्ड एग्जाम, जो कि वो बहुत टफ माना जाता है। उसमें माइंड टेस्ट, माइंड दिमाग का टेस्ट, आंख का टेस्ट, और एट प्रेजेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो सब चेक किए जाते हैं। उसके लिए हमने भी प्रिपरेशन किया अच्छे से कंप्यूटर पे, ऑनलाइन, चूंकि पहले ऑफलाइन होता था वो भी ऑनलाइन, तो कंप्यूटर पे हमने प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर अच्छे से प्रैक्टिस किया, एग्जाम दिया, वो भी निकल गया। अब एक उम्मीद सी लगी कि हाँ चलो अब हो गया, एक खुशी झलकी घर वालों में कि अब तो चलो हो गया। अब बचा एक मेडिकल, मेडिकल में चूंकि ALP है तो 6x6 आंख होना चाहिए। कल हुआ मेडिकल भी सब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जब मेडिकल हो गया तो फिर लगा चलो अब तो सही है, अब तो 100% है, सिलेक्शन हो जाएगा। मार्क्स अच्छे आ गए थे, 76 मार्क्स, इलाहाबाद बोर्ड है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि इसमें सारे बच्चे क्रीमी बच्चे आते हैं, मीन्स इसका कट ऑफ हाई जाता है। तो लग रहा था कि 76 में भी का ना हो पाए, लेकिन 76 70 कट ऑफ गया था, 76 मार्क्स में हो गया हमारा सिलेक्शन। उसके बाद की बात 2019, अगर 2019 तक हमारे मेडिकल हो गए थे कंप्लीट, अब ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अब क्या है, रिजल्ट तो हो गया कि ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा, सब आपस में बात कर रहे थे कि ये ऐसा ही झूठ मूठ सब अफवाह फैलाए हैं, कुछ नहीं है ऐसा। फिर हमने लोगों की बातों को अनदेखा किया, अनसुना किया, और फिर अपना, क्योंकि मुझे पता ही था क्या है, घर वालों को पता है, हमें पता है क्या है। 2020 आया, कोरोना में ही खत्म हो गया 1 साल। लग रहा था कि बस जल्दी से ज्वाइन हो जाए, बहुत मुश्किल से कट रही थी उस टाइम समय। 2020 तो ऐसे ही बहुत खराब ही रहा सब सबके लिए। फिर 2021 को एक पेपर आया है, लेटर आया है, उसमें हमारा नाम था। चलिए आपका 4 फरवरी को ज्वाइन के लिए बुलाया गया, और उस दिन हमारा बर्थडे पड़ता है, तो बर्थडे गिफ्ट की तरह ये हमें नौकरी मिली एज ए बर्थडे गिफ्ट। फिर हमने 4 फरवरी को ज्वाइन किया इलाहाबाद बोर्ड में, और ETC पहुंचे, ETC कानपुर ट्रेनिंग सेंटर जो है, हमने वहां तक पहुंचा। उसके बाद फिर वहां से क्वालिफाई किया, ETC का एग्जाम दे के फिर मेरा कानपुर कानपुर लोबी में पोस्टेड एज ALP। तो दोस्तों ये थी दीपक पंडित की कहानी, जो कि अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके पीछे जो छुपी हुई हैं और दीपक खुद बयान नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतना शॉर्टकट नहीं था सब कुछ, इतना इजी नहीं था, बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहा था इनका ये सफर। इसके पीछे बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े, बहुत बार फेलियर भी देखना पड़ा था। कई बार एग्जाम देने के बाद नंबर नहीं आते, तो कभी नंबर आते तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, रीजन बहुत सारा रहता था। और इसके चलते इनको 1 साल में ये सफलता मिली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 6 महीने 1 साल अच्छे से ढंग से पढ़ाई करते हैं तो कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है। किसी भी एग्जाम के लिए आपको अच्छे से सीरियसली मेहनत करनी चाहिए। और थोड़ा सा फोन, एक तरीके से फोन क्या मतलब मैं कहूँ कि सोशल मीडिया वगैरह इन सब चीजों से थोड़ा सा दूरी बनाएं,
और आप पढ़ाई पे ध्यान दें। इन सब चीजों से जैसे ही आप हटेंगे, अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे तब पढ़ाई आप पे ध्यान देगी, और पढ़ाई जब आप पे ध्यान देगी तब आप पे सब ध्यान देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी वर्ड्स के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।